नगर निगम में चलने वाली गाड़ियों के रखरखाव के संबंध में महापौर द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों की बैठक उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसके संबंध में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा जितनी भी गाड़ियों का प्रयोग जनहित में किया जाता है उनके रखरखाव के संबंध में बैठक आयोजित हुआ है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है उनका इंश्योरेंस कराया जाए, साथ ही महीनों से खराब गाड़ियों के मरम्मत करवाकर उनको प्रयोग में लाया जाए। इस मौके पर 5 सदस्यीय टीम के सदस्य उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला, पार्षद संजय श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश सिंह कोहली, अभिषेक निषाद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, सही होगा तो ये जान लीजिएगा कि जो काम 1/10 तो हो जाएगा। वो चीज़ें जो है 10 गुना तेज चल रही थी, मैं अगर मुझे दे दिएगा तो वही 1/10 गुना हो जाएगा। नगर निगम के गाड़ियों के रखरखाव के संदर्भ में पिछले दिनों माननीय महापौर जी के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की दायित्व उन्होंने मेरे ऊपर सौंपी, और साथ में माननीय 3 पार्षदगण जो श्री चंद्र प्रकाश सिंह गोली, श्री संजय शर्मा जी और संजय श्रीवास्तव जी, श्री अभिषेक निषाद जी और उपनगर आयुक्त श्री संजय शुक्ला जी, ये 5 सदस्यीय कमेटी आगामी दिनों में जो भी गाड़ियां नगर निगम के द्वारा संचालित होती हैं, जनहित में जिन गाड़ियों को लगाया जाता है, ऐसी गाड़ियां जो कई महीनों से ख़राब पड़ी हैं, कई महीनों से जिनका इंश्योरेंस नहीं हो पाया है, रखरखाव के बिना जो गाड़ियां खड़ी हैं, ऐसे गाड़ियों का संचालन हो सके, जनता के उपयोग में उस गाड़ियों को हम लोग ला सकें और नगर निगम का जो भी इस तरह की समस्या है उसके समाधान के लिए पहल हो सके, ये कमेटी उस पर काम करेगी। और आज एक बैठक हुई है, जो उस बैठक का मुख्य एजेंडा ये था कि नगर निगम के 63 गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हो पाया था। विगत दिनों नगर आयुक्त महोदय का तबादला हो गया था, स्थानांतरण हो गया था, और उसके बाद नगर में महामारी COVID-19 की महामारी फैली, जिसके वजह से सभी विभाग के लोग कोविड के रोकथाम में लग गए थे, और आज थोड़ा सा संक्रमण जब हल्का हुआ है तो विभिन्न चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग ये बैठक रखे थे कि गाड़ियों का इंश्योरेंस हो जाए। हमें उम्मीद है कि आज नगर आयुक्त महोदय बैठक करने के बाद इस गाड़ियों के इंश्योरेंस के पत्रावली को स्वीकृति प्रदान कर देंगे।